गुड इवनिंग गाइस, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें कि आप जी सब जानते हैं कि जेई का बहुत बल्क में वैकेंसी आया है। इतना वैकेंसी आता नहीं है, मतलब इन जनरल इतना वैकेंसी नहीं आता है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो आप लोग के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने का, लेकिन उसमें भी पहले सिलेक्शन लेने से पहले आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपको किस जोन से फॉर्म को फिल करना है। अदरवाइज़ आप भीड़ में, मतलब भीड़ में बस बहेंगे तो शायद आप ना निकल पाएँ। मतलब आपको दो तीन बोर्ड तो छोड़ ही देना चाहिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो, जैसे इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, इन इन बोर्ड्स में तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँचेगा और यूपी बिहार के लड़के जहाँ जाएंगे वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। तो इन जनरल मैंने सारा अपना कैटेगरी बना दिया है कि यूआर का सीट कितना है, मतलब जनरल का रिजर्व कैटेगरी में, और एससी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, और ओबीसी में जो लोग हैं, और पीएच कोटा का। मैंने एक सर्विस मैन का नहीं किया है क्योंकि सीट बहुत है, मतलब वो लोग बहुत कम ही लोग तैयारी करते हैं इस तरह का, डायरेक्ट उनका तो आसानी से हो भी जाता है वैसे तो। फिर भी जो प्रायोरिटी है, मैंने 9 बोर्ड को सिलेक्ट किया है जहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो 9 जोन में से मैंने जैसे कि किन किन जोन बोर्ड को चुना है, तो अजमेर बोर्ड को चुना है, बेंगलोर को, अहमदाबाद, बिलासपुर, मुंबई, गुवाहाटी, पटना, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ठीक है। अब ये 9 बोर्ड में से सबसे पहला बोर्ड मैं जिसके साथ जाना चाहूँगा, वहाँ आपको भले ही विश्वास ना हो कि यहाँ सर तो बहुत कम सीट बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि 225 है अनरिजर्व अहमदाबाद का, पहला मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। मैंने 2014 में फॉर्म फिलअप किया था और SSC JEE दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गया तो 25 में से करीब 18 स्टूडेंट सिर्फ बिहार के थे, और सबसे खास बात यह है कि अहमदाबाद में लोग ज़्यादा जॉब को प्रायोरिटी नहीं देते, वो बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो अहमदाबाद, मुंबई हो गया, उस जोन के लोग बिजनेसमैन टाइप होते हैं, तो वहाँ पे अमूमन क्लासेस भी जेई का तैयारी वारी का नहीं चलता। तो आप पहला उसको चुन सकते हैं, अहमदाबाद को। सेकंड में आप, मैंने चुना है अजमेर को, अजमेर में भी जो है अच्छा खासा वैकेंसी है इस बार, 825 सीट है टोटल, 421 अनरिजर्व है, 222 OBC का है, बाकी आप हम इस वीडियो में देख ही रहे हैं। फिर तीसरा मैंने बेंगलोर को चुना है क्योंकि वहाँ पे IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि मतलब वहाँ पे प्राइवेट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेंगलोर में आप सरकारी नौकरी से आप अपना खर्चा भी नहीं चला पाइएगा बेंगलोर और स्पेशली मुंबई में, तो वहाँ पे लोग प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ थर्ड पे आप जा सकते हैं। फोर्थ बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर थोड़ा सा उधर दंतेवाड़ा में पोस्टिंग ये सब होता है, तो थोड़ा नक्सल प्रभावित है, तो लोग जाना कम पसंद करते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, आपका एज लैप्स होने वाला है, तो आप यहाँ से जरूर, यहाँ ज़रूर भरें फॉर्म। फिर उसके बाद आपका 5वां नंबर मैंने गुवाहाटी को दिया है क्योंकि ये भी थोड़ा दूर है और कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ पे लड़के कम जाते हैं अमूमन, तो 5वां आप गुवाहाटी जा सकते हैं, 6ठा सिकंदराबाद भी जा सकते हैं, फिर 7वां सिलीगुड़ी है, फिर 8वां मुंबई है, फिर 9वां मैंने पटना को दिया है क्योंकि पटना में तो नो डाउट कंपटीशन हाई रहता है, जो टैलेंटेड लड़के हैं वो पटना को चूज करें क्योंकि सीट इतना ज़्यादा नहीं है, 295 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।